think the girls with their nails done. What? ये लॉबी में कौन बंदा है? E2 स्ट्रॉम की माँ चौधरी है भाई। ये E2 स्ट्रॉम तो साला जोनाथन जैसा खेलता है। सो हे गाइस, कैसा हो गया था आप लोग? आ चुका हूँ एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ, और आज वाली वीडियो में बड़ा भयंकर तबाही मचाने वाला हूँ। पूरा लॉबी भाई चमकाऊंगा, और ऊपर से यहाँ पे इसमें बहुत सारे बंदे ऐसा है होते हैं जिनके पास में अच्छी खासी गन की स्क्रीन वगैरह होती है, वो भी चमका रहे होते हैं लॉबी। फिलहाल सामने बंदे उतर जाते हैं तो निपटाते हैं उनको। और हाँ, जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है भाई, जाकर लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। तो फाइनली इस बंदे को नॉक करने के साथ इधर टेंपल में तो कोई नहीं मिलता, लेकिन हाँ कुछ बंदे गए थे रिकॉलिंग के साइड में, तो थोड़ा जाके चेक करते हैं। और ये देखो भाई, नाम देख रहे हो भैया, मतलब पीपी बाइजन का भी स्किन है लॉन्डे के पास में। इन लोग से ही फाइट होगी बड़ा भयंकर वाला, तुम देखना उसको। फिलहाल सामने बंदे हैं, जाके देखते हैं भाई। तो फिलहाल इस भाई को यहाँ पे नॉक और फिनिश दोनों कर देते हैं। इतने में मेरे को लगा था यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन नीचे से घिसड़ने की फुटस्टेप आती है, सामने एक बंदा दिखता है। और वैसे ये नॉक था, मेरे ख्याल से इसने ही नॉक किया, तो इसको मैंने पहले AKM से मारा है। अब इसको मैं यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ, हम लोग को लगता है इधर कोई नहीं होगा, लेकिन इतने में एक बंदा रिकॉल होकर आता है यूजी लेके, और थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा क्योंकि भाई यूजी है, दिक्कत कर देगी। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपको खुद पता है यार, टीममेट को भी किल चाहिए था, उसने नेट फेंका, यहाँ पे मैप फट गया, लेकिन किल तो मेरे को ही मिला। फिलहाल यहाँ पे टीममेट पास में होता है, मेरे को रिवाइव मिल जाता है। इतने में टीममेट बताता है कि टेंपल के पास में एक बंदा रिकॉल होकर उतरा है, तो निपटाते हैं उसको। और ये बंदा वैसे पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन भाई को धक लेते हैं, और इसको यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ हम लोग निकल ही रहे होते हैं। इतने में यार टीममेट मार्क करता है, सामने की तरफ कुछ बंदे आ गए, मैं आता हूँ देखने के लिए, और सामने बंदा इसका मेरे को दिख भी जाता है भाई, लेटा हुआ साफ बना हुआ, मतलब झाड़ियों के अंदर। और कसम से अगर मैं थोड़ा देर पहले इसको मतलब नहीं दिखा होता ना, तो यहाँ पे मैं कंफर्म मरने वाला था, क्योंकि मेरे को बंदा दिख नहीं रहा था। फिलहाल इसको फिनिश करता हूँ, सामने इसका टीममेट दिखता है, तो निपटाते हैं उसको। तो हाँ, यहाँ पे मैंने भाई को ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है, मतलब नॉक नहीं कर पाया, लेकिन बंदा जब रोटेशन मार रहा होता है तो बस देखो कैसे निपटाते हैं उसको। अब इस भाई को फिनिश करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट एड लगाता हूँ, जाकर लूट ही रहा होता हूँ। इतने में एक और बंदे की फुटस्टेप आती है, जो कि यार सामने से रश कर रहा है, तो निपटाते हैं उसको। और इसको जैसे नॉक करता हूँ मैं, फिनिश करता हूँ, इतने में पीछे से एक और बंदे की फुटस्टेप आती है, मैं उसको भी निपटाता हूँ। ये तो बॉट निकलता है, मैं इस बॉट को फिनिश करने के बाद आगे के साइड जा ही रहा होता हूँ। इतने में सामने मुझे घर के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ दिखता है, जो कि सामने से फायर भी करता है, तो निपटाते हैं वैसे। और ये बंदा नहीं, बंदी थी। अब ये यहाँ पे जैसे नॉक होती है, मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ, क्योंकि भैया देखो भाई, बात है बंदा नॉक हुआ है, किल तो चाहिए ही चाहिए हम लोग को। अब देखो यहाँ पे सीन ये हो रहा होता है कि भैया, सबसे पहली बात तो टीममेट का माइक खराब था, पता नहीं क्या ही ग्लिच था, लेकिन चलो कोई ना, सामने मेरे को बंदा दिख गया ऊपर आता हुआ, तो रश कर देते हैं सीधा, और ऊपर वैसे चला गया बंदा रिवाइव करने के लिए, यहाँ से एक नेड फेंकते हैं, और देखो बस कमाल। अब जब मैं नेट मारता हूँ, बंदा तो नॉक होता नहीं है वैसे, तो मैं सीधा रश कर देता हूँ, लेकिन वही बात था भाई, मेरे को डर लग रहा था कहीं बंदा कैंप ना कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे धो ना दे। फिलहाल यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ उसको निपटाने का, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता, तो यहाँ से एक मॉली फेंकते हैं। और इस मॉली के लिए भैया एक लाइक तो बनता है वैसे, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, मैं पहले बोला था लाइक करने के लिए, अभी जाकर लाइक कर दो इस मॉली के लिए।
अब यहाँ पे मैं रश नहीं कर सकता था क्योंकि सामने जो बिल्डिंग है वहाँ से मुझे एक बंदा दिख गया है। तो मैं टीममेट को बोलता हूँ, वैसे उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। इतने में पीछे से गाड़ी की आवाज़ आती है, मैं आता हूँ देखने के लिए और इसमें दो बंदे और दोनों टीममेट को वैसे किल मिल जाएगा। लेकिन यार मैं फिनिश करके यार लॉबी चमका देता हूँ ग्लेशियर वाला। फिलहाल इसको यहाँ से निपटा के यहाँ से जैसे निकल ही रहा होता हूँ, इतने में मेरे को फुटस्टेप आती है, सामने से भी कोई बंदा गाड़ी लेके आ रहा है, उसको भी निपटाते हैं। और इसको निपटाने के बाद एक और बंदे की आवाज़ आई है जो कि यार सामने से रश करेगा, तो निपटाते हैं उसको। Watch out! तो फाइनली इस भाई को फिनिश कर दिया था, सामने बंदा दिखा था। इतने में देखो भाई क्या सीन होता है, यहाँ पे रिलोड वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, मेरे को लगा भैया गया मैं, बैन हो गया फिर से। लेकिन यहाँ पे मेरा वाईफाई चल जाता है, तो जल्दी से पहले वाईफाई कनेक्ट करते हैं और फिर बंदों को पेलते हैं। हाँ तो यहाँ पे मुझे कंफर्म पता था यहाँ पे मैं नॉक होऊंगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि भैया मैं सही में नॉक होने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे मेरे को टीममेट ने रिवाइव दे दिया और जो बंदा सामने मेरे को नॉक किया होता है वो यार रश कर देता है हम लोग के ऊपर, तो देखो कैसे निपटाते हैं उसको। और ये बंदा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा था। Marked a location. और भाई को फिनिश करने के बाद यहाँ से लोग निकलते हैं रिकॉलिंग वगैरह चेक करने के लिए। इतने में देखो सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होगा और देखो भैया क्या होगा इसके साथ में। और मेरे ख्याल से ये साला ऑफलाइन था, लेकिन कर देते हैं भाई को फिनिश यहाँ पे। अब ये बंदा यहाँ पे जैसे फिनिश होता है हम लोग यहाँ से निकलते हैं और देख रहे हो भैया M4 की स्किन। लेकिन यहाँ पे मैं जब गाड़ी घुमा रहा होता हूँ मुझे एक बग्गी वाला बंदा मिलता है, और इस बग्गी वाले को भाई कैसे पकड़ते हैं और तुम बस देखो। और ये बग्गी वाला अपने टीममेट के पास लेके जाता है हम लोग को, और सीन देखो यहाँ पे। Watch out! अब इस बंदे को मैं जैसे फिनिश करता हूँ यार आराम से लूट ही रहा होता हूँ, इतने में टीममेट सामने वाले वेयरहाउस में चल जाता है थोड़ा रीस्टार्ट वगैरह करने के लिए। इतने में यार टीममेट जैसे नॉक होता है तो मैं सीधा रश कर देता हूँ और बंदा वैसे खा लेता है उसको। तो यहाँ पे भाई को फिनिश करते हैं, टीममेट को रिकॉल करते हैं और यहाँ से लेकर निकल ही रहा होता हूँ। देखो टीममेट कहाँ पे मार्क कर रहा है, मैं गाड़ी उधर घुमा रहा होता हूँ, मुझे लगा उधर बंदा होगा, लेकिन जा तुम देखो भैया क्या सीन होता है हम लोग पे। मतलब हम लोग को एकदम अपोजिट साइड से फायर हो रहा था और टीममेट उधर मार्क कर रहा था, तो यहाँ पर मैं निकलता हूँ। और हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल आइडिया नहीं था यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन जा तुम देखो। इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं बोलना। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो मेरे भाई जाकर सब्सक्राइब करना, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और गाइज आज का लाइक अगेन 1 लाइक का है, तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।